अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम है सम न्यूज़ के साथ आमिर खान नाम है और मेरा साथ जो कैमरा मैन है वो शफाकत है नाम है उसका और जो है कश्मीर का रहने वाला बहुत अच्छा आदमी है। बात यह कि आजकल एक वाकया रहनुमा है और गर्दिश कर रहे फेसबुक पे ट्विटर पे व्हाट्सएप पे कि यार जो है ना एक लड़की के साथ ज्यादती हुआ है। तो हमारे साथ एक बंदा बैठे उसका जो है ना गाँव का है उसके साथ हम मतलब इंफॉर्मेशन लेंगे कि क्या सिस्टम है क्या वाकई हुआ है। पहले इससे लेंगे फिर इससे ले लेंगे कि यार क्या सिस्टम है। अच्छा भाई बात बताओ क्या सिस्टम है? मुझे नहीं पता यार, थोड़ा भी पता नहीं है। नहीं नहीं कुछ पता है, कुछ मालूम है तो बता दो। नहीं कुछ मालूम, कुछ मालूम नहीं है। नहीं। क्यों पता नहीं है? अच्छा अच्छा, फिर अच्छा इसको पता नहीं है। मैं एक दूसरा बंदा मेरे साथ बैठे मुंचू वाला है, मैं उससे पूछ लूँगा कि यार क्या सिस्टम है। अच्छा सर आप ये बताओ और खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? ठीक। और भाई साहब ये वाकया ये हुआ है तकरीबन आज रात का वाकया है, तकरीबन 9:30 का टाइम है। पता चला है कि एक लड़की अच्छा किसी नामालूम शख्स ने उसको कत्ल किया है। अच्छा ये वाकया सुखो वाली रोड पे अच्छा क्रम अलियास के पास अच्छा रहनुमा हुआ है। अच्छा तो इसमें ये आया है कि ये लड़की जो थी ये कामों की थी। अच्छा और ये लड़के जो हैं दो इसमें पकड़े गए हैं। अच्छा। एक का कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल जो है ना अच्छा वो उस पर लेके गया है, तो दूसरा जो है हाँ ये जो बंदा उधर का सुखों का पकड़ा गया है वो उसमें पूरा मुलव्वस है। तो इसमें ये अभी दोनों बंदे जो हैं ये PTI के हैं। अच्छा वो साइड पर किया जाए। अभी आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो लड़की जो फौत हुई है अच्छा वो नून लीग की MLA थी। अच्छा MLA थी। और ये जो लड़कों ने मतलब उसको कत्ल किया है ये भी MLA है PTI के। सही। अभी आप खुद अंदाज़ा लगाएं ये इन लोगों ने उसको बुलाया यहाँ, मतलब उन्होंने एक इफ्तिताह करवाना था। अच्छा इस तरीके से वो आई है, 4-5 दिन हो गए वो इधर थी, उसके घर वाले ये नहीं समझ रहे थे कि वो उधर मीटिंग में। अच्छा आज रात को ये मीटिंग खराब हो गई। अच्छा अच्छा मुझे ये बताओ कि इसके घर वाले पे अभी क्या गुजरेगी उस, तो मतलब बहुत तकलीफ पे होंगे कि यार आजकल इसके साथ इस तरह वाक़ हो गया। और दूसरी बात है कि आजकल इस तरह वाक़ बहुत मतलब तेज़ी से जा रहे हैं, इसका क्या वजूहत हो सकती है, क्या क्यों इतना तेज़ी से जा रहे हैं? सबसे पहले ये मैं बताऊँगा कि ये जब तक केबल और मोबाइल फ़ोन ठीक है ना, ये तो आप लोगों ने मतलब वो बड़े अपनी खुशी के लिए घर में छोड़ के जाते हैं कि ये मेरी बीवी इस्तेमाल करेगी, ये मेरी बहन इस्तेमाल करेगी, ये मेरी माँ इस्तेमाल करेगी जी। लेकिन उस पर ये होता है कि रॉन्ग नंबर आ जाते हैं जी। आजकल लोग टिकटॉक लाइकी जी मुख्तलिफ ऐप्स मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं जी। उसमें जहरी बात है किसी को पता चल जाए कि ये लड़की है जी, तो मतलब उसके पीछे आते हैं जी, फिर वो पसंद भी आ जाते हैं, वो अच्छे तरीके से बात करें वो बस आस्ता से बात में ये अमल होता है कि एंड पे वो आशिकी भी आ जाता है काम। अच्छा तो फिर वो अपने शोर को भी कीमत पर, इधर एक और वाक़ा हुआ था वो अपने शोर को उसने मरवा दिया। अच्छा तो अभी आपको क्या लगता है कि ये जो मामला हुआ है कत्ल का मामला हुआ, ये आशिकी का मामला था या कोई और मसला था, घर का मसला था? नहीं ये तो सियासत। अच्छा सरेआम सियासत है। सरेआम सियासत है मतलब इसमें पॉलिटिक्स है। आशिकी होती तो आशिक ज़बानी करते। अच्छा आशिक तो फूलों की तरह रखते। ये बात कुछ दूसरे आदमी के साथ तो उसका कोई अफेयर नहीं था ये मुझे बता दो? नहीं वो बहुत अच्छी थी, वो भी उमरा करके आई थी। अच्छा बहुत अच्छी औरत थी। अच्छा बाकी अल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी पुलिस क्या कह रहे हैं, क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्या इसका क्या मतलब वो उसका पोस्टमार्टम करते हैं या क्या इसमें सर? भाई वो उसकी डेड बॉडी तो ले गए हैं, बाकी पुलिस हमारी है वो समोसे पूरे खा के मैं गया था उधर थाने में। ये तो बस आपको पता ही है जब तक ऊपर से कोई डंडा ना आए ये आगे काम नहीं। असल में वो मिसाल है ना इश्क करके की कमाए सच्ची दस कभी बिच भी पाए। अच्छा अच्छा ये बताओ कि IG पंजाब अभी क्या कह रहे हैं? अब उसने बोला कि यार मतलब 24 घंटों के अंदर अंदर उसको अरेस्ट करो जो बंदे मतलब जो लोगों ने ये काम किया। अभी IG पंजाब की मैं बताता हूँ, 1.5 घंटा पहले जियो न्यूज़ वालों ने खबर इशू की है कि IG मामला है। लेकिन बात यह कि यार इस मतलब ये तो लोगों में और खौफ पैदा होगा, ये इसका क्या हो, रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए आपको क्या लगता है? रोकथाम के लिए हमारे DSP साहब बैठे हैं पास। अच्छा उनसे बात करें। अच्छा DSP साहब आप बताओ क्या हो सकती है? आपने जो इन्वेस्टिगेट किया इस मामले में आपको मामला मतलब ज्यादातर इस वजूहत से लग रहा है कि ये जो प्यार का चक्कर है ना इसमें ये मसला हुआ है, ये मसला हुआ है। अच्छा नहीं वो बाइकिंग बात वो काट रहा हूँ, प्यार का अगर होता तो एक बंदा होता, दो बंदे तो प्यार नहीं कर सकते।
ये बात इस बात पे गौर करें आप। अच्छा डीएसपी साहब की मेरी बात सुने, अगर उन्होंने खुद बुलाया है उसको तो वो खुद मार भी नहीं सकते। अच्छा सोचे ना, कोई इतने बच्चे तो नहीं थे वो। अच्छा मतलब एक बंदे को फोन करके बुला रहे हो घर पे, उसको मारोगे तो आप फंसोगे नहीं। ये मामला भाई साहब। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि यार चीफ सिक्योरिटी का अलग राय, डीएसपी साहब आपका अलग राय, तो ये मुतबादिल नहीं है दूसरे राय? मेरे वो चंद मिनट पहले इशवा शरीफ से बात हुई है तो उसने कहा है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम जा रहा है ना, मतलब ये तकरीबन 30,000 लोग देख रहे हैं अभी हमारे पास। जो बात हकीकत है भाई साहब, अगर आप नहीं बताओगे तो नेक्स्ट आपको मैं कभी भी इंटरव्यू नहीं दूंगा। मैं जो बात मैंने आपको दी है प्रूफ के साथ दे रहा हूं, कोई बात इसमें फेक नहीं है। जो मैंने आपको कहा है वो फोन रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है, तो इस बारे में आप गौर करो। अच्छा ये बात है, आप बातें ना करो ठीक है, इस तरह की मैं बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों के लिए टाइम दूं, ठीक है। एक मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ठीक है, पूरी दुनिया की खबर है इस वक्त मेरे पास। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि जो मतलब अगर आपको अदालत ने तलब किया कि आप आ जाओ गवाही की, नहीं वो जो गोली का गोली की बात इसने की, गवाही दोगे? भाई साहब मैं जहां मर्जी, मुझे अगर फांसी भी चढ़ना पड़े मुझे डर नहीं है कि जो ज्यादती है वो ज्यादती है। मतलब हक के लिए लड़ोगे? साथ अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। हक के लिए आप लड़ोगे? हां बिल्कुल। अच्छा उनसे पता चल। अच्छा नाज़रीन आप लोगों ने सुना कि ये हमारा मतलब लोगों का ये राय था, और बात यूँ कि मतलब चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी बात किया, डीएसपी साहब ने भी बात किया कि मतलब आजकल ये मतलब बात चल रही है, तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि यार ये इतना जुल्म नहीं होना चाहिए, सही है ना? क्योंकि आजकल मोबाइल का सिस्टम है सब खराब हो गया, इस वजह से मोबाइल की वजह से इंटरनेट की वजह से आजकल क्या चल रही है। एक हमारे साथ जो एक दूसरा भाई बैठा है उसे भी कुछ मालूम मतलब देना चाहिए कि वो क्या कह रहे हो इस बारे में। अच्छा ये बताओ कि इनके बारे में मुझसे पूछ लें अभी। अच्छा जी, ये जो आप इन भाई साहब को बड़ी इज्जत दे रहे हैं, ये बहुत बड़े शुक्रबाज हैं। अच्छा ये इन्होंने एक सुखो का शुक्रा गिरा हुआ है। अच्छा ठीक, नाम क्या है उसका? शहर, शहर नाम है उसका। अच्छा हो गया, उसको कोई वो सलाम नहीं देता, लेकिन ये दोनों। अच्छा मुझे ये बताओ कि लोग कह रहे हैं ना कि मतलब आप जिस शहद की नाम बोल रहे हो, वो तो कह रहे कि यार वो 46 साल का लड़का है, तो 46 साल की उम्र में कौन मतलब इस तरह शुक्रबाजी। भाई साहब आपने शायद पहले सुना नहीं है, इश्क करके की कमाई सच्ची दस कभी विच भी पाए। अच्छा इस बात पे गौर करें आप, बात ये नहीं होती 46 साल वाली, उसमें सनी बताओ डीएसपी साहब के आप जो मतलब शहद का और बाबा का जो मामला चल रहा है इसमें आप कितनी सदाकत है? यार मैं तो कुछ नहीं कहता, लेकिन ये इनको बेहतर पता है। अच्छा ये भाई साहब अभी क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये खुद जो है ना बाबा के छोकरे छोड़ा लिया है। अच्छा हाँ ये इसका मुंह बंद है, मतलब कमीशन खाता है, कमीशन खाता है, दगड़ मगड़ होते हुए इसने देखा है कहीं मतलब। अच्छा। लेकिन अभी वो सामने बैठे हुए, इनके सामने बोल रहे हैं। अच्छा ये बात ना आप इस बारे में पूछेंगे तो आपको बस टाइम नहीं है, बस हम खत्म करते। अच्छा बात ये बात हमने लोगों को दे दी हुई बहुत है, और मैं आमिर खान और मेरा साथ जो कैमरा मैन है सलमान खान, हमें इजाज़त दे दो और दुआ में याद रखो। वसलाम।